12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि एक कार का मतलब जो पहिया है उसका व्हील का, उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर दे रखा है। एक व्हील है, व्हील ऐसे, इसका डायमीटर कितना दे रखा है मैं, ये डायमीटर होता है पूरा 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 40। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक ये व्हील है, ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस आपको पता क्या होता है, सरकमफ्रेंस बाहर बाहर की बाउंड्री। मान लो इसका सरकमफ्रेंस 10 सेंटीमीटर है, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका व्हील का सरकमफ्रेंस 10 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बोला वो यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे करके ऐसे रखा और वो ऐसे चार चक्कर लगाती है, ऐसे करके ये ऐसे घूम के, ये 1, 2, 3 ऐसा पूरा घूम के चार चक्कर लगाती है। तो आप बता सकते हैं मेरे को कितना डिस्टेंस इसने कवर करा? बिल्कुल सही, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि एक बारी में जब ये घूमेगा तो 10 सेंटीमीटर, दूसरी बार घूमेगा 20, तीसरी बार 30, चौथी बार में 40 सेंटीमीटर, अगर ये चार बार घूमेगा तो 40 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर मैं इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं बोलूँ यहाँ से इस पेन का डिस्टेंस, मान लो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है जो मेरे पास पेन का है, वो है 80 सेंटीमीटर। कितना इस पेन का डिस्टेंस है? 80 सेंटीमीटर। और मैंने बोला ये जो मेरा व्हील है, ये इसका जो है ये 10 सेंटीमीटर है, कितना ये 10 सेंटीमीटर। मैंने बस तुमसे पूछा हूँ कि ये कितने चक्कर लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर, मैं और इसका सरकमफ्रेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मैं पूछूँ ऐसे कितने चक्कर लगाएगा कि ये यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर ले। ये डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, 80, और ये सरकमफ्रेंस है 10 सेंटीमीटर, तो कितने में हो जाएगा कवर ये 8 चक्कर में पूरा हो जाएगा, 8 चक्कर में, क्योंकि एक बार चक्कर कराएगा 10, 2, 8 बारी में कवर हो जाएगा। यानी अगर मुझे डिस्टेंस पता हो, क्या पता हो, डिस्टेंस पता हो और व्हील का सरकमफ्रेंस पता हो, अगर मुझे डिस्टेंस पता हो और व्हील का सरकमफ्रेंस पता हो, तो मैं ये बता दूंगा ये कितनी बार चक्कर में यहाँ तक पहुँचेगा। अब आपको यहाँ तक का डिस्टेंस पता है 80 सेंटीमीटर और ये इसका सरकमफ्रेंस कितना 10 है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 8 बारी में पहुँचेगा, 80 को 10 से डिवाइड कर दो तो 8 बारी में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में भी डिस्टेंस निकालना है और सरकमफ्रेंस निकालना है। अगर आप डिस्टेंस और सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन खत्म, ऐसे क्वेश्चन है, इसको इससे डिवाइड कर दो, डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, हमें डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ द व्हील 80 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है उसका, भाई आधा रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, व्हील का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये सर्कल है 2πr, यानी हमारे पास हो जाएगा 2 into, अभी पाई की वैल्यू डालते नहीं, बाद में डाल देंगे, ये 40, यानी हमारे पास हो जाएगा 80π सेंटीमीटर डाल देंगे, ठीक, हमारा फिर सेंटीमीटर हो गया 80π, हमारे पास सरकमफ्रेंस निकल गई है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब हमारे का उसने कहा कि वो 10 मिनट में दूरी तय करता है, ठीक है, और कितने स्पीड से 66 किलोमीटर पर आवर में, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो 66 किलोमीटर कितने देर में जा रहा है, वो कह रहा है अ कार डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड, ठीक है, ट्रेवल्ड इन वन आवर, एक घंटे में कितना जा रहा है वो 66 किलोमीटर, एक घंटे में 66 किलोमीटर जा रहा है। अब तो वो एक घंटा यानी कि इसको क्या बोलते हैं, 60 मिनट भी बोल देंगे, 60 मिनट भी हो गया ना, एक घंटा बोलो या 60 मिनट बोलो, बात एक ही है।
अब वो जब 60 मिनट में इतने किलोमीटर जा रहा है तो एक मिनट में कितना जाए, क्योंकि मुझे 10 मिनट निकालना है, जब मैं एक मिनट का निकाल लूंगा तो 10 मिनट का भी निकल जाएगा। तो अ कार डिस्टेंस ट्रेवल इन वन मिनट, वन मिनट में कितना करेगा वो, 66/60 किलोमीटर, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है 10 मिनट्स में, अ कार डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, 66/60 × 10 किलोमीटर/hr, इससे कट गया 11 किलोमीटर, 10 मिनट में 11 किलोमीटर जाएगा। लेकिन जो मेरा व्हील है वो मेरा सेंटीमीटर में है और डिस्टेंस अभी किलोमीटर में है, तो मुझे इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 11 × 2। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मीटर में करूँगा इसको 1000 लगाऊंगा, फिर ये मेरा किलोमीटर से मीटर बदल गया है ना। अब मीटर से मुझे सेंटीमीटर बदलने के लिए फिर 100, यानी कि अब ये पूरा सेंटीमीटर में बदल गया, तो यानी कि 110001234550 हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरा सेंटीमीटर में आ गया, आपके पास डिस्टेंस भी आ गया, सर्कमफ्रेंस भी आ गया। अब कितने रेवोल्यूशन करेगा भाई दिस, इसको जो डिस्टेंस को इसको डिवाइड कर दो किससे, सर्कमफ्रेंस से, यही तो मैंने बताया था। अगर आपका डिस्टेंस है और सर्कमफ्रेंस है तो आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दो। अब आपने इतनी दूरी तय करी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी है और इसका सर्कमफ्रेंस आपको मालूम है, तो ऐसे कितने चक्कर लगाएगा ये, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने चक्कर लगाएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस कितना था, हमारे पास इस डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, इसके सर्कमफ्रेंस से, हम लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस है 80 पाई, पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7। अब हम कर देते हैं 11/501234580 × 22/7 करेंगे तो उल्टा कर देते हैं, तो 7/22 इसको बदल देते हैं। अब इसको काट, जीरो से जीरो कट गया, कम 11 2 22 1 2 3 4 चार जीरो हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 2 5 10 1 2 3 3 8 8 8 8 48 2 16 45, ठीक है, 625 × 7, यानी हमारा टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हम लोग कितना आएगा इसका, 7 × 35 3 14 16 17 7 4375 रेवोल्यूशन, यानी कि 4375 बार वो ऐसे घूमेगा तब वो 10 मिनट में जितना उसने डिस्टेंस तय करा होगा वो उतनी बार घूमना पड़ेगा, उसको पहिए को उतनी बार घूमना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में क्या करना क्या है हमें, उसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और सर्कमफ्रेंस निकालना है, व्हील का सर्कमफ्रेंस, व्हील का जो भी सर्कमफ्रेंस आएगा उससे डिवाइड कर देंगे किसको, डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे किससे, व्हील के सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आराम से हो जाएगा ये, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं।